हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मैं इस वक्त यहाँ अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ मेरे वालिद ज़ेरे इलाज हैं। आज माशाल्लाह 24 अक्टूबर है और कल वालिद साहब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। आप सब की बेशुमार दुआओं और नेक ख्वाहिशात का ये नतीजा है कि हजरत बहुत तेज़ी के साथ माशाल्लाह रिकवरी भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ जो है वो स्टेबल भी हो रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ किसी तरह आप लोग अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि आने वाले जो अय्याम हैं वो बहुत एहतियात वाले हैं कि जिसमें कुछ फिजिकल वर्क और कुछ फिजियोथेरेपी इस तरह की चीज़ें अप्लाई होनी है। तो दुआ फरमाएं मेरे वालिद साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे और बिलाखिर उन्हें सेहत कामिला, शिफाए आजला, तामा अता फरमाएं। अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है कि आज वो बहुत बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस वक्त यहाँ अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ मेरे वालिद ज़ेरे इलाज हैं। आज माशाल्लाह 24 अक्टूबर है और कल वालिद साहब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। आप सब की बेशुमार दुआओं और नेक ख्वाहिशात का ये नतीजा है कि हजरत बहुत तेज़ी के साथ माशाल्लाह रिकवरी भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ जो है वो स्टेबल भी हो रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ किसी तरह आप लोग अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि आने वाले जो अय्याम हैं वो बहुत एहतियात वाले हैं कि जिसमें कुछ फिजिकल वर्क और कुछ फिजियोथेरेपी इस तरह की चीज़ें अप्लाई होनी है। तो दुआ फरमाएं मेरे वालिद साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे और बिलाखिर उन्हें सेहत कामिला, शिफाए आजला, तामा अता फरमाए। अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है कि आज वो बहुत बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस वक्त यहाँ अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ मेरे वालिद ज़ेरे इलाज हैं। आज माशाल्लाह 24 अक्टूबर है और कल वालिद साहब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। आप सब की बेशुमार दुआओं और नेक ख्वाहिशात का ये नतीजा है कि हजरत बहुत तेज़ी के साथ माशाल्लाह रिकवरी भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ जो है वो स्टेबल भी हो रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ किसी तरह आप लोग अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि आने वाले जो अय्याम हैं वो बहुत एहतियात वाले हैं कि जिसमें कुछ फिजिकल वर्क और कुछ फिजियोथेरेपी इस तरह की चीज़ें अप्लाई होनी है। तो दुआ फरमाएं मेरे वालिद साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे और बिलाखिर उन्हें सेहत कामिला, शिफाए आजला, तामा अता फरमाए। अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है कि आज वो बहुत बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस वक्त यहाँ अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ मेरे वालिद ज़ेरे इलाज हैं। आज माशाल्लाह 24 अक्टूबर है और कल वालिद साहब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। आप सब की बेशुमार दुआओं और नेक ख्वाहिशात का ये नतीजा है कि हजरत बहुत तेज़ी के साथ माशाल्लाह रिकवरी भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ जो है वो स्टेबल भी हो रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ किसी तरह आप लोग अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि आने वाले जो अय्याम हैं वो बहुत एहतियात वाले हैं कि जिसमें कुछ फिजिकल वर्क और कुछ फिजियोथेरेपी इस तरह की चीज़ें अप्लाई होनी है। तो दुआ फरमाएं मेरे वालिद साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे और बिलाखिर उन्हें सेहत कामिला, शिफाए आजला, तामा अता फरमाए। अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है कि आज वो बहुत बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।